बल्ले बल्ले होके आखिरी बॉल रह गई है और वो भी एक रन सिर्फ बने और पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम 181 रन पर ढेर हो गई है। यस मेरे शेरो, यस, इसको कहते हैं जीतना, इसको कहते हैं ठोकना। वेल डन यार हिंदुस्तान वालों, वेल डन। I can't even, I'm that angry that I can't even pick a good player. आज तुम लोग हार गए ना अफगानिस्तान से। मैं कभी बांग्लादेश को ट्रोल नहीं करूंगा, मेरा वादा है यार। मैं कभी भी बांग्लादेश को ट्रोल नहीं करूंगा। अगर आज बांग्लादेश हमसे हार जाए ना, मैं कभी ट्रोल नहीं करूंगा। वो टीम इंडिया जो ना सिर्फ जो आपके लेके सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है, बल्कि उसने अफगानिस्तान के लिए भी राहें हमवार कर दी है भाई जान। अपन अंदाजा कर ले, इंडिया के अंदर इस वक्त सेलिब्रेशन जारी है, वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनकी टीम इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर जाकर ऑस्ट्रेलिया को पेल गई है। ना सिर्फ पेला है, बल्कि उनके जो कप्तान है रोहित शर्मा, उसने तबाही कर दी है। यूं समझ लीजिए कि मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस यानी ऑजीज को, ऑस्ट्रेलियंस को उसने ऐसे धोया है कि ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मूंगफलियां तोड़ रहा है। यहां पे ऑस्ट्रेलिया को मारना, फिर रोहित शर्मा ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। क्या इंटेंट के साथ खेला रोहित शर्मा? इस बार इंडिया से कोई वर्ल्ड कप छीन के दिखा दे, वो एक बैड लक हो गई जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने वन साइडेड करके रख दिया फाइनल और ऑस्ट्रेलिया जीत गया। आपने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्या प्रेशर था, उनकी जुबानें बाहर आ गई हुई थी। इंडियन टीम ने अपना 2023 का वर्ल्ड कप का रिवेंज भी ले लिया, ऑस्ट्रेलिया को किक आउट कर दिया T20 वर्ल्ड कप 2024 से। इस वक्त ग्लोबली और पूरी दुनिया में शर्मा जी का बेटा छाया हुआ है, और पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ शर्मा जी के बेटे और इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा के हवाले से बातचीत हो रही है, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि सर रोहित शर्मा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सबसे पहले सभी भारतीयों को कॉन्ग्रेचुलेशन, आज भारतीय टीम ने अपना 2023 का वर्ल्ड कप का बदला ले लिया और ऑस्ट्रेलिया का घमंड आज चूर चूर कर उन्हें बाहर फेंक दिया। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराते हुए सेमीफाइनल का टिकट अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया ने इसके साथ ही वनडे वर्ल्ड कप 2023 में किताबी मुकाबले में मिली हार का बदला भी ले लिया। 2023 वनडे टेस्ट चैंपियनशिप का किताबी मुकाबला हो या फिर वनडे वर्ल्ड कप 2023-2003 हो, हर मौके पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत का दिल तोड़ा था, लेकिन आज जैसे ही भारत ने उसे घुटनों पर लाया तब हर भारतीय क्रिकेट फैन की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। भारत ने अपनी सीट पक्की कर ली है, वही कंगारू अब बाहर होने की कगार पर है। उसकी किस्मत बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच होने वाले मैच पर निर्भर करता है। रोहित की कप्तानी पारी के दम पर 205 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा दर्द देने वाले टी हेड ने ताबड़तोड़ 76 रन ठोके, लेकिन जब वह आउट हुए तो ऑस्ट्रेलिया की उम्मीद भी कम हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने 181 बना के सिमट गई। इस वक्त ग्लोबली और पूरी दुनिया में शर्मा जी का बेटा छाया हुआ है, और पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ शर्मा जी के बेटे और इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा के हवाले से बातचीत हो रही है, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि सर रोहित शर्मा, इज अ सर, सर रोहित शर्मा के हवाले से बातचीत हो रही है, और पूरी दुनिया में इंडिया के हवाले से एक माहौल बना हुआ है। यानी आज थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारी बॉर्डर्स मिलती हैं, एक ही दिन में कहा जाता है हम आजाद हुए थे, थोड़ा सा एक दिन का कुछ घंटों का फर्क था, लेकिन कितना ज्यादा डिफरेंस है और हम कितने ज्यादा बदकिस्मत हैं या फिर हमारे साथ कितनी बड़ी ज्यादती की जा रही है जो इस मुल्क में हो रही है। आप अंदाजा कर लें, इंडिया के अंदर इस वक्त सेलिब्रेशन जारी है, वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनकी टीम इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर जाकर ऑस्ट्रेलिया को पेल गई है। ना सिर्फ पेला है, बल्कि उनके जो कप्तान है रोहित शर्मा, उसने तबाही कर दी है। यूं समझ लीजिए कि मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस यानी ऑजीज को, ऑस्ट्रेलियंस को उसने ऐसे धोया है कि ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मूंगफलियां तोड़ रहा है, लिटरली ऐसे महसूस हो रहा था पत्थर मार रहा है। उसने तबाही उनकी निकाल कर रखी है और इंडिया को ऐसा महसूस हुआ कि मैच जीतना आ गया है, इंडिया को जीतते कैसे समझ आ गई है। और आज इंडियन टीम नहीं नजर आ रही थी, ये इंडियन नेशन नजर आ रही थी, ये कौम नजर आ रही थी और ये कौम की तरह लड़ रही थी, एक कौम थी जो उन्हें बैक कर रही थी। तो ये गैर मामूली मनाजिर थे जो इंडियन टीम के हवाले से आज नजर आए। ये इंडियन टीम यानी इंडिया के तमाम तर न्यूज चैनल उठाकर देख लें, सुबह से आज ये बातचीत हो रही थी, अच्छा जी कौन खेलेगा, कितना खेलेगा, पूरी कौम इंतजार कर रही थी, एक्साइटेड थी, बहुत बड़ा मैच था उनके लिए। इधर आ जाए, सुबह से लेकर हम टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर क्या देख रहे हैं कि कादी साहब बैठे हुए हैं, मखसूस निशस्त है, देंगे या नहीं देंगे, आप बोलें आप नहीं बोलें, आप क्यों बोलें, आप खामोश हो जाए, खातून वीडियो बना रही है, वीडियो तस्वीर बना गई है, स्टैंड अप खातून सलमान अकरम राजा साहब को कैन यू गिव मी अ मिनट। यानी हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर पूरा दिन लिटरली क्या देखते रहे,
काजी साहब ने एक लाइव वो चलाया हुआ था और वो लाइव हम सारे देखे जा रहे थे और बातचीत हो रही थी मखसूस नशस्तों के हवाले से। जो इंतखाबात हो गए उन्हें कई महीने गुजर गए हैं लेकिन अभी तक वो जो जिरगा हमारे मुल्क में लगा हुआ वो जिरगा सॉर्ट आउट नहीं हुआ। इंडिया के अंदर भी इंतखाबात हुए, इलेक्शन हुए, दुनिया की सबसे बड़ी 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 जो इलेक्शन जो एक्सरसाइज है होती है वो इंडिया के अंदर हुई, वजीर आजम बन गया, उसके बाद उनकी टीम को बैकअप कर रहे हैं, लेकिन कोई इस तरह का रोला जिरगा इतना बड़ा मसला नहीं बना हुआ। लेकिन यहां पर ये सब चीजें मसले बने हुए हैं। अब जो रोहित शर्मा ने कर दिया या इंडियन टीम ने कर दिया है, मैं इंडियन टीम का इतना बड़ा फैन नहीं हूं लेकिन यकीन माने आज दिल से निकल रहा है कि अल्लाह करे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते, अल्लाह करे कि रोहित शर्मा ये वर्ल्ड कप जीत कर जाए। उसकी सिर्फ बुनियादी वजह यह है कि रोहित शर्मा को मैच जीतने के बाद आप उससे उसकी जो टॉक हुई है वो सुने कि उससे जब पूछा गया कि आप 100 नहीं बना सके, आप 90s में चले गए थे आप, लेकिन आप 100 नहीं बना सके, तो उसकी पहली स्टेटमेंट एक सेकंड के लिए झुके बगैर ये थी कि मेरे लिए 100 मैटर ही नहीं करता, मैं जिस तरह से 50 बनाऊं, 100 बनाऊं, 10 बनाऊं, 20 बनाऊं, ये मैटर ही नहीं करते, मैंने सिर्फ वो टेम्पो जारी रखना है कि मैं आया हूं और मैं उधेड़ कर रख दूंगा, मैं तबाही मचा कर रख दूंगा, मैं रौन दूंगा, मैं कंकर करूंगा और मैं किंग हूं कि मैंने सिर्फ पांव रखकर आगे जाना है, लिहाजा मेरे लिए 100 मैटर नहीं कर रहा था। जब वो जीता तो उसके लिए जीत भी मैटर नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था रोहित शर्मा का और उसके अंदर रोहित शर्मा ये कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही ड्रीम है और मैं कई सालों से ये ख्वाब देखता हुआ आ रहा हूं, मुझे ख्वाब में वो वर्ल्ड कप के 3 पिलर्स नजर आते हैं और वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वो 3 पिलर्स बने हुए हैं और उनके ऊपर एक ग्लोब ग्लोब बना हुआ है और वो वर्ल्ड कप है, तो मुझे वो वर्ल्ड कप नजर आ रहा है। तबाही वो क्या है अपना पता नहीं फिल्म बना, लॉलीवुड की तबाही, ड्रामों की तबाही, ड्रामे में सास ससुर को मार गई, पता नहीं कोई कौन किसके साथ फिल्में बनाता रहा, कौन किसके साथ फंस गया, दैट्स इट। ये सब कुछ हम चीजें कर रहे हैं, इस बात को समझिए कि जो हमारे क्रिकेट बर्बाद की गई है सोच समझ कर एक प्लानिंग के तहत की गई है, उसका बुनियादी मकसद यह था कि क्रिकेट भी हमसे छीनना था। हम बर्बाद हो गए हैं, हमारा जो मेंटल स्टेटस है वो बहुत ज्यादा गिर गया है, हम मेंटली ही इवॉल्व नहीं किए, हम मेंटली दिमागी तौर पर एक केज के अंदर बंद हैं, एक ऐसी गुबार के अंदर हमें भेजा गया है कि हमारे दिमागों के ऊपर गर्द पड़ी हुई है और हम एक कौम भी नहीं रहे, हम एक नेशन भी नहीं रहे, हम एक झंडे के नीचे इकट्ठे होने वाले लोग भी नहीं रहे, बल्कि एक ऐसा हुजूम बन गए कि दुनिया के जिस भी कोने में जाते हैं जहां पर भी हम नजर आते हैं बैनल कम स्टेज के ऊपर हमारा जो बुरकस है वो निकला हुआ नजर आता है। क्या ये बाबर आजम इतना डरावा प्लेयर था कभी? नहीं यार, अच्छा खासा आया था, ये रन बनाता था, अग्रेसिव भी बैटिंग कर लेता था काफी हद तक। आज आप हालत देखो, आज सोशल मीडिया पे आपको अग्रेसिव आना पड़ता है माजरत के साथ, तो मतलब उस बेचारे का भी क्या कसूर है? आपने उसको कम उम्र में कप्तानी दे दी, कप्तानी का 8 भी नहीं था उसके बाद, 8 क्या 9 भी नहीं था, कभी नवाज आखिरी ओवर गड़वा रहा है, कभी कोई गड़वा रहा है। अगर किसी को बुरा लगता है तो मुझे नहीं लगा भैया, हाँ, ये पंत के लिए लेसन है कि अगर रोहित शर्मा ने उसको नहीं सही सुना, ये क्यों बुरा लगेगा भाई, कप्तान है वो, ये अगर लेसन क्रिकेट में आसान कैच गिरा रहे हो तुम यार, क्रिकेट में बैटिंग में भी असल में ऋषभ पंत की गैर जिम्मेदारी बैटिंग में भी थी, बैटिंग में भी गैर जिम्मेदारी, क्रिकेट में भैया, लेकिन ऋषभ पंत ने बैटिंग में भी रोहित को मायूस किया था, रोहित को ये यकीन था कि पंत ने इतनी गेंदे ले लिया पंत डिलीवर करेगा, वो वहीं से थपावा था भाई। तो कहने की बात ये होती है कोई ये क्रिकेट चल रही है वो चालबाजी मक्कारी थोड़ी चल रही है कि मतलब आप वो कप्तान बनके अपनी हाइलाइट्स लगवा ले, खुद प्रोमिनेंट हो जाए, सही है, उसको अपने हर प्लेयर से काम लेना है, वो इसलिए इंडिया का कप्तान बनाया हुआ है उसको। अरे वो और गंभीर ने आने से पहले ऐसी शर्तें नहीं रखी कि मैं रोहित के साथ ही जाऊंगा 2027 तक, तो मुझे कोच बनाए। अबे ये T20 वर्ल्ड कप की जीत का जो फार्मूला है ना, इसमें जो सबसे अहम बंदा है वो पंत है, ये बता दूं मैं आपको।